दिल्ली से है। चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में फूट की खबर मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने बैठक से दूरी बना ली है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अशोक तंवर, देखे जा रहे हैं कि उन्होंने बैठकों से दूरी बनाई हुई है। प्रदेश कांग्रेस की किसी भी बैठक में अशोक तंवर जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो, चुनाव समिति की बैठक हो, कैंपेनिंग कमेटी की बैठक हो, तमाम बैठकों से अपनी दूरी बना ली है अशोक तंवर ने। संगठन में फेरबदल से नाराज बताए जा रहे हैं अशोक तंवर, कि जिस तरह का फेरबदल किया गया है उससे नाराज चल रहे हैं अशोक तंवर और इसलिए दूरी बनाई है, किसी भी बैठक में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। जिन्हें भी जिम्मेदारियां मिली हैं ये उनकी परीक्षा का वक्त है, अशोक तंवर का ये कहना है। जयदीप प्राची हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदीप, जानकारी चाहेंगे, ये जो दूरी बनाई है और बैठकों से दूरी करके अशोक तंवर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अपनी नाराजगी जाहिर करना चाह रहे हैं या इसके पीछे संदेश कुछ और है? जी बिल्कुल श्वेता, देखिएगा, बिल्कुल नाराजगी जाहिर की है अशोक तंवर ने, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि अब मैं मीटिंग में जाऊं ना जाऊं ये मेरी मर्जी है, लेकिन उस मीटिंग में कुछ ऐसे लोग हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से अशोक तंवर को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए, चाहे भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप पर जो जिस तरीके की कवायद चलाई गई थी, उसके बाद से ही उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया और वो नाराजगी साफ देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उस मीटिंग, जो भी मीटिंग हो रही, चाहे मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग है या चुनाव समिति की मीटिंग थी, कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम है और उसी के चलते वो मीटिंग में नहीं जाना चाहते, वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, जहां उनकी पार्टी को जरूरत है वहां पे वो खड़े हो जाएंगे। अब मैंने 5 सालों तक संघर्ष किया है, अब जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है उनके संघर्ष का, उनके करके दिखाने का समय है। वो जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको निभा के दिखाएं और पार्टी के लिए काम करें। जी क्या लगता है जयदीप, की जिम्मेदारियां जिनको मिली है उनकी अग्नि परीक्षा है, तो क्या जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं उनसे वो जिम्मेदारियां क्यों दी गई हैं, इससे नाराजगी है या उन्हें जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं, वजह क्या है? अंदर खाने की खबर बताइए। इसमें यही कि पिछले 5 साल से अशोक तंवर को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था हरियाणा का, और उसके बाद से ही लगातार पिछले 2 से 2.5 साल से तो लगातार जो है भूपेंद्र हुड्डा जो ग्रुप है वो अशोक तंवर को प्रधान पद से हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। उसको लेकर कई बार जो हुड्डा समर्थित जो विधायक हैं वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी मुलाकात की, लेकिन लंबे समय तक अशोक तंवर को नहीं हटाया गया। और जब अब चुनाव का समय आ गया था तो भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी अलग पार्टी बनाने की या कांग्रेस से अलग हो जाने की हाईकमान को धमकी दे डाली थी, और उसके बाद से ही अशोक तंवर को हटाया गया, कुमारी चर्चा को अध्यक्ष बनाया गया, भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी नेता बनाया गया, और इन्हीं बातों से जो है अशोक तंवर खासे नाराज हैं। और इससे पहले भी कुछ में पहले करीब 2.5-3 साल पहले, जयदीप कितना असर पड़ता दिखेगा ये इस फूट का, अगर ये नाराजगी है लेकिन ये अगर दूर नहीं की जाती है, चुनाव क्योंकि करीब है, तो कितना असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिएगा, कांग्रेस को अपनी आपसी जो फूट है उसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, और पहले भी ये जो नतीजा है इसका उनको भुगतना पड़ा है। हमेशा से ही जो है भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर गुट की आपस में कभी नहीं बनी है, अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा आपस में हमेशा से ही दूरियां बना के चलते आए हैं। और एक समय ऐसा भी आया था कि दोनों के समर्थकों में जो है जबरदस्त झड़प हुई थी और उसमें अशोक तंवर को चोट भी लगी थी दिल्ली के अंदर, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। एक ही पार्टी के 2 गुटों के अंदर झड़प हुई थी, कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर के गुटों के अंदर झड़प हुई थी और दोनों को उनको एडमिट करवाना पड़ गया था हॉस्पिटल के अंदर। तो बिल्कुल ये साफ नाराजगी है और जाहिर भी कर रहे हैं। और इसी बातों को लेकर कवायद नजर आ रही है अशोक तंवर को मनाने की कांग्रेस की तरफ से, देखिए अभी तक ये बिल्कुल देखने को नहीं मिला। इस आज की जो मीटिंग हुई थी इसमें तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे, चाहे किरण चौधरी की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, उसके अलावा रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कैप्टन अजय यादव की बात करें, ये वो लोग हैं जो काफी लंबे समय से अपने अपने क्षेत्रों से चुनकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। सभी 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं, बड़े मंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, लेकिन ये सब लोग जो है एकजुट होकर इन सभी मीटिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन अशोक तंवर लगातार दूरी बनाए हुए हैं। और आज उन्होंने ये बयान देकर स्पष्ट भी कर दिया है कि वो किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। अशोक तंवर ने अपने बयान में साफ कहा कि उनके चेहरे से कि कुछ लोगों को दिखते हैं, वो किसी को दिक्कत नहीं देना चाहते हैं, और जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी निभा कर दिखाए, उन्हें
मीटिंग्स में जाने से, उनकी खुद की मर्जी हो जाए ना जाए, वो उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है जी। चलिए जयदीप, निगाह रहेगी कि आखिरकार कांग्रेस किस तरह से अशोक तंवर को मनाती है, क्योंकि ये नाराजगी कहीं ना कहीं चुनाव पर भारी न पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप तमाम जानकारी के लिए।